आपकी बार संदीप जी खूब होटल जीते और आपकी बार पूरा जोर लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा होटल जीते और शहर का विकास हो और सीएम यही बने। जी अब हम तो क्या कहें, ये शहर से बाजार से इतनी भीड़ आई है, उन्होंने कह दिया है आपकी बार संदीप सिंह जी की बार है। बिल्कुल पार है जी। मतलब सभी युवाओं ने मन बना लिया आपकी बार। बिल्कुल, युवा बुजुर्ग बच्चे सब ने मन बना लिया है आपकी बार संदीप सिंह की सरकार। हाँ जी, शहर के सारे नाले टूटे पड़े हैं, सड़क टूटी पड़ी है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, सबका बुरा हाल हो रहा है और सारे आने जाने वाले सारे परेशान हो रहे हैं जी। भाई कम से कम 15 साल से हो रहे हैं, रोड बढ़ ही नहीं रहे जी। आप ढाबा बाजार देख लो, ये अपना बड़ा दरवाजी साइड पूरा रोड साइड टूटा पड़ा है, मथनी चौक साइड साइड को बना दे, इसमें कोई आस नहीं रही है, कोई काम ही नहीं कर रहे जी। पता नहीं, कहते हैं कोई ऊपर से काम नहीं हो रहा, कोई कहते हैं पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं जी, पता है उसके बाद काम होना चाहिए। हाँ जी, संदीप सिंह के बारे में तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये छवि ऐसी है कि इनके बारे में तो कुछ जो भी बोले उतना ही थोड़ा है। मैं जो इन्होंने संदीप सिंह जी ने जो टारगेट दिया है कि भाई पिछली बार 33,000 वोट मिले थे, इस बार हम 3 गुना पार करेंगे, बस यही हमारा एक आशा और विश्वास है। तो संदीप सिंह जी की जय। SDM साहब को चाहते हैं हम, हृदय से चाहते हैं और इनकी सफलता के लिए कामना भी करें। सर जी के साथ ही हैं जी, पहले भी साथ थे, अभी साथ हैं और सबसे अपील करते हैं सभी बढ़ चढ़ के साहब को आगे लेके चलें। हम चाहते हैं कि इस शहर को एक पढ़े लिखे युवक मिले जो कि हमेशा इसका ध्यान रखे और जिस बंदे को जिस बारे में भी नॉलेज होती है वही आगे इस शहर को बढ़ा सकता है, जिससे कि सारा शहर का उद्धार हो सकता है। एक और बनाना है, चलो सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का, वो हमारे तालियों की गड़गड़ाहट आपके साथ जोर से तालियां। बहुत 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 बढ़िया गोपाल अरोड़ा जी जो है, वो बढ़िया तालियों की गड़गड़ाहट से जोर से तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत होता हूँ। कमेटी के सदस्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरी हमारी डेडिकेटेड टीम और पूरा मेरा सराफा बाजार और इसको धान बाजार भी कहते हैं, गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
कि उन्होंने बीजी समय निकाल करके साहब का जो सम्मान किया है वो हम सदा याद रखेंगे। अब अगली कड़ी में है पैरों में दम है दिल में जगह तो अपने भी दूर नहीं। पार्टी से कोई संबंध या कोई मतलब ना होकर उसके गुणों को हमें निहारना चाहिए, क्योंकि ये कहा भी कहा क्या, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, आईना है कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही उसका काम होता है। संजूर है मंजर बगावत क्यों नहीं करते, बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफरत है, अवादत है कि राहत है, मोहब्बत है कि नफरत है, अवादत है कि राहत है। शिकायत है अगर तुमको, शिकायत क्यों नहीं करते, शिकायत क्यों नहीं करते। अब मैं एसडीएम साहब के लिए, जहां पर सत्यदया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सत्यदया सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का काटा, अगर तूने निकाला है किसी के पांव का काटा, तो ये तय है कि तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, कोई इंसान रहता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने बाहर से आए हुए अतिथि को मेरा नमन। आपके आने से बाहर हो गई, हम गदगद हो गए, हम गदगद हो गए। मैं परमपिता परमेश्वर से विनती करूंगा कि आने वाले समय आपका होगा, से विधायक बनेंगे और हमारी आशाओं व विश्वास पर खरे उतरेंगे। और जो भी मेरे साथियों आए हैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। निष्ठावान आदमी है और कार्य कर्मठ है, इनके लिए हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ एक करके दिखाएंगे शहर के लिए। हनुमान जी की, हनुमान जी की। मैं इतना अपनापन, मुझे लग रहा है कि जो मैंने 22 साल तपस्या की थी वो सफल हो गई। आपका बस 15-20 मिनट ही रुका मैं, क्योंकि हर शॉप की पीछे 2002 16 जनवरी को मैंने जब ज्वाइन किया महेंद्रगढ़ में, तो एक बहुत बड़ा डर होता था। आप सब देखते थे उस टाइम जो ऑफिस में आते थे कि एसडीएम ऑफिस में जाना है, कैसे जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या पूछेगा एसडीएम हमारे से। और बाहर तो बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा कि बिना आज्ञा अपने आप ही आप लोगों का दिल करता था आने का, अपने आप ही। मुझे अब तक ध्यान है 2003 में मेरे पास काफी शॉपकीपर्स आए, उन्होंने कहा जी एक शॉपकीपर लेके आए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो शॉप्स कहाँ पे थी, आपको शायद ध्यान होगा, मैं बताऊंगा अभी पूरी बात। तो उन्होंने कहा जी कुछ बदमाशों ने, ये 2003 की बात बता रहा हूं मैं, कुछ बदमाशों ने कुछ पॉलिटिशियन साथ मिलके हमारी शॉप हो गए, जेसीबी लगा के 50-60 कमेटी के एम्प्लॉइज लगा के 2 दिन के साथ हो गए। देखिए व्हाट्सएप न्यूज़पेपर क्या क्या चलाएंगे, भी पता नहीं क्या क्या डालेंगे, लेकिन आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। कौन को देना चाहता है, मैं भाई देखना चाहूंगा कि 100% है कि कोई चला है तो नहीं गया, ये 100% है। गाड़ी बजा। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज पर, मैं हूं किशन सैनी। आज आपने देखा जैसे परशुराम चौक के ऊपर बिल्कुल ढोल नगारों के साथ जो है जिस तरह से पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का स्वागत किया गया, ऐसा लगता है कि सच की क्रांति आ चुकी है। क्योंकि लगातार किसी भी हम इलाके में जाते हैं, किसी भी गाँव में जाते हैं, तो जनता को जैसे ही पता लगता है कि पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी आ रहे हैं, तो इनके साथ इतने लोग जुड़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं लगता कि भी कितने लोग आ गए, भीड़ कितनी जुट गई। अब पीछे दिखाइए, ये पूरे शहर की जो बाजार की जो क्रीम है ये यहाँ पर मौजूद है, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आपको दिखाई देंगे। देखिए सैकड़ों की तादाद में हर जगह कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो वहां पर जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को सुनने के लिए और उनको अपना समर्थन देने के लिए आ जाते हैं। तो संदीप जी ये तो रिकॉर्ड बन चुका है, अगर हम कहें कि रिकॉर्ड टूटने की बात है तो रिकॉर्ड तो टूट चुका है, सच की क्रांति आ चुकी है, तो सर क्या कहना चाहेंगे।
सैनी साहब, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतना टाइम दिया और मेरे पूरे सराफा बाजार और आसपास के मार्केट के जितने भी हमारे ज्वेलर शॉपकीपर्स हैं और जितने और दुकानदार भाई हैं, मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए अजाज चौक से कितने प्यार से, कितने सम्मान से, कितना अपनापन से जो मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है, ये देखिए ये शो करता है कि आपने जो तपस्या की है उस तपस्या का रिजल्ट तो जरूर मिलता है। ये देखिए लास्ट टाइम सैनी साहब सबने एक ही बात कही है, लास्ट टाइम थोड़ी सी जनता को भ्रमित कर दिया गया, लास्ट टाइम भी आप जीत रहे थे। यहाँ पे एक शॉपकीपर भाई हैं, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्होंने लास्ट टाइम लिख के दिया था, हर 5 साल में लिख के देते हैं कि इस बारी संदीप एसडीएम की 57,000 वोट हैं, वोट 57,000 ही थी, बस लास्ट के 2 दिन में जनता को भ्रमित कर दिया कि एसडीएम में 5,000 वोट हैं, 10,000 वोट हैं। पहला इलेक्शन था तो हमारे पब्लिक को समझ नहीं आ पाया, इतना ज़्यादा भ्रमित होगी जनता, लेकिन इस बात का लोगों को बड़ा तकलीफ है और लोगों ने कहा है, हमारी जनता ने बोला है, हमारे परिवार ने बोला है कि इस बारी एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होने जा रही है, पहली बार महेंद्रगढ़ जीतेगा, तो महेंद्रगढ़ जीतेंगे तो हम सब जीतेंगे, ये फर्स्ट टाइम होगा सैनी साहब इस टाइम यहाँ पे। देख लीजिए हर मोहल्ले ने, हर गली ने, हर गांव ने, हर नुक्कड़ ने एक फैसला कर लिया है कि इस बारी ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको नॉलेज हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो सच्चा हो, जो ईमानदार हो और जो अपने एरिया के बारे में जानता हो। सैनी साहब 22 साल से हमें हर गली, हर नुक्कड़, चप्पे चप्पे के बारे में पता है कि महेंद्रगढ़ में किस घर को क्या चीज़ चाहिए, तो इसलिए हमारे परिवार को मालूम भी है कि ऐसा व्यक्ति ही हमारे महेंद्रगढ़ को आगे बढ़ा सकता है। और सैनी साहब ने एक ही बात बोली है कि हमारा मेन टारगेट एक ही रहेगा कि अपने महेंद्रगढ़ को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएं। देखिए मैं कुछ इनके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि लगातार ये अपनी जो 10 साल की जो ए क्लास की नौकरी होती है उनको छोड़ करके आए हैं, क्योंकि ये डीसी बन गए थे और इन्होंने जैसे कहा कि भी अब हमें जनता की सेवा करनी है, इन्होंने वीआरएस लिया और फिर उसके बाद यहाँ जनता की सेवा में जुट गए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि जब ये वीआरएस लेके आए तो सिर्फ 2 महीने का समय इनको मिला था चुनाव में ग्राउंड पे जाने के लिए, और 2 महीने में करीब 33,000 से ऊपर वोट इन्होंने लिए। तो सर ये तो अब गिनती बात करें तो 33,000 से ऊपर की शुरुआत होगी, पहले आपने 0 से शुरुआत की थी, तो अब की बार तो लग रहा है कि जनता का इस तरह से ये इतना प्यार आपका जो मिल रहा है, इसे लग रहा है कि 1,00,000 क्रॉस होने की संभावना है। सैनी साहब हमारे परिवार ने ठान लिया है कि जो 33,000 प्लस वोट आई थी, 34,000 के जो वोट आई थी उसको 3 टाइम्स बढ़ाना है, हमारे जनता ने ठान लिया है, तो इस बारी ये टारगेट होगा, ये टारगेट पूरा होगा और हमारा महेंद्रगढ़ एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। थैंक यू सर। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी से मैं कहूँगा कि जितने भी संदीप सिंह के जितने भी चाहने वाले हैं इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और काफ़ी लोग हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं, पहले मैं स्टेज से शुरुआत करता हूँ तो काफ़ी लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं, फिर मैं उधर भी जाऊँगा, उन लोगों से भी थोड़ी बातचीत करूँगा। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी को आज आपने अपने यहाँ सराफा बाजार में बुलाया है? क्या अब तो शब्द नहीं रहे, बहुत पहले आदमी उन्होंने कह दिया है, पर मैं दिल से इनके साथ रहूंगा। बहुत अच्छा, तो कोई जवाब परेशान हो ना, कोई परेशानी नहीं, कोई 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 जुमला मारे, कोई कुछ ना कुछ भी कहे, आप तो साथ हैं। अच्छा, दो साथ रहेंगे आपके। चलो सर क्या कहना चाहेंगे बताइए। देखिए जनाब, हम तहे दिल से एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हैं और आपका भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इतने लोग आए हैं इनका भी हम सब मिलकर के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और एसडीएम साहब को चाहते हैं हम, हृदय से चाहते हैं और इनकी सफलता के लिए कामना भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात क्या रहेगा, बेड़ा पार हो जाएगा? बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा जी, बेड़ा पार होगा, जब ही तो शहर के खड्डे भरेंगे, नहीं तो कहाँ से भरेंगे, ये तो ऐसे पड़े रहेंगे। बताओ आप। सर जी के साथ ही हैं जी, पहले भी साथ थे अभी साथ हैं, और सबसे अपील करते हैं सभी बढ़ चढ़ के साहब को आगे लेके चलें। तो आप तो पहले ही शहर में फेमस है सर, क्योंकि एसके वर्कर के नाम से जाना जाता है। जी जी जी, क्योंकि मैं सभी लोकल ही हूँ, मैं भी हाँ जी जानता हूँ, जितने भी यहाँ पर कुछ जन बैठे हैं, पूरा समर्थन है जी, पूरा बिल्कुल, पहले भी समर्थन, पूरा समर्थन बिल्कुल साथ। नवीन जी, हम चाहते हैं कि इस शहर को एक पढ़े लिखे युवक मिले जो कि हमेशा इसका ध्यान रखे, और जिस बंदे को इस बारे में भी नॉलेज होती है वही आगे इस शहर को बढ़ा सकता है, जिससे कि सारे शहर का उद्धार हो सके। एक और बनाना है, एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम इनके साथ है सर। ऐसा है संदीप जी, एडीएम साहब है, बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी, अब वोट भी इनको देना हमने, और इनको जिताएंगे और जिताएंगे, ठीक है। हमारी तो नौकरी खागा खट्टर, 2010 का पीटीए खागा, को संदीप जी हमने देखा दोबारी। अब की बार संदीप सरकार महेंद्रगढ़,
अब की बात संदीप सरकार महेंद्रगढ़, तो मतलब अभी आपने कविता सुनाई थी। हाँ जी। अच्छा, तो आपने खुद तैयार करी थी वो? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के, पधारने के लिए। और अब की बार 50,000 से ऊपर की वोट है सर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा महेंद्रगढ़ SDM साहब के साथ हूँ। बिल्कुल बीजेपी को छोड़ दिए। बीजेपी को छोड़ के साथ आए हैं सर, इनके साथ ही है, वोट इनको ही देगा। पूरा साथ है, पूरा साथ, पूरा साथ है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे जी संदीप जी? हम अपने शहर का विकास चाहते हैं और यही एक शख्सियत है लोगों की आशाओं पर जो खरी उतरेगी, और केवल विकास ही चाहते हैं इस महेंद्रगढ़ का, और जो व्यक्ति विकास करेगा हम उसका साथ देंगे। होली अपना होली सर, आप भी बताइए सर, जो कैसा लगा प्रोग्राम आपको? बहुत बढ़िया प्रोग्राम राजी, फर्स्ट क्लास। और संदीप सिंह जी बिल्कुल पूरा पूरा समर्थन संदीप जी के साथ है जी। संदीप जी का प्रोग्राम देखा है आपने? संदीप जी का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा रहा, और अब की बार लाखों वोटों की लीड देके और विजय होंगे। हम सभी दिल से साथ हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि सच की क्रांति आ गई। अब बिल्कुल आ गई जी, सच की रिकॉर्ड बनेगा उनके पास। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे सर? संदीप सिंह को भारी मतों से जिताएंगे। भारी वोटों से जिताना है सर, क्या कहेंगे बताइए? हम तो पिछले साल भी इनके साथ थे, अब बदलाव का टाइम आ गया है, सारी पार्टियों को छोड़ के इनके साथ हो गए। सब पार्टियों को छोड़ के साथ हो गए, साथ हो गए। और पीछे भी अब की बार जनता बदलाव चाहती है, दोनों पार्टियों से दुखी है, ये दोनों पार्टी मिली हुई है आपसरी में, इपल जनता संदीप सिंह का साथ देगी और पूर्ण विजयी होगी इपकल। अब की बार मतलब पार्टी से हटके वोटिंग होगी? अब की बार दोनों पार्टी से अलग होगी, इपकल लोग संदीप सिंह को जिताएंगे। बिल्कुल जिताएंगे जी, दोनों से दुखी है लोग, दोनों से दुखी हो गए। संदीप सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे संदीप? सर ऐसे है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग पिछली दफ़े भ्रम में थे, अब वो भ्रम टूट जाएगा लोगों का, और मेरे को ऐसा लगता है कि लोग खुल के उत्साह के साथ अपना पूर्ण वोट इनके साथ देंगे, क्योंकि कितने सालों से लोग परेशान है शहर के। अब की बार कोई मुकाबला नहीं होगा, दोनों कोई मुकाबला नहीं होगा, एक तरह कोई नहीं। अब की बार जो है लोग है अंदर अपनी खुशी को दबाए बैठे हैं, जिस दिन जीत होगी उस दिन पूरा उत्साह चौक के ऊपर देख लेना, आज की मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, इस बात को रिपीट करना, जिस दिन आपका बहुमत पूरी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? संदीप सिंह जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, अब की बार नई क्रांति आएगी और एक नए युग का अवतार होगा, अब की बार हटके होगा सब काम। प्रोग्राम आपने देखा है? देखो जी, अब हम तो क्या कहें, ये शहर से बाजार से इतनी भीड़ आई है, उन्होंने कह दिया है अब की बार संदीप सिंह जी की पार है। बिल्कुल पार है, पार है, बिल्कुल पार है जी। मतलब सभी युवाओं ने मन बना लिया अब की बार? बिल्कुल, युवा बुजुर्ग बच्चे सब ने मन बना लिया है जी, अब की बार संदीप सिंह की सरकार। ठीक है जी, सर क्या कहना चाहेंगे? अब की बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और एक लाख के पार, एक लाख पार हो जाएगा, एक लाख आराम से पार। यही है जी हमारा विचार, सबका सबका पूरा समर्थन। प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम अच्छा है, और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी का साथ दें। सच्चाई और ईमानदारी का साथ, साथ दें। तो पहले भी कई साल देख लिया लोगों ने, तो अब की बार बदलाव चाहती है? हाँ, बदलाव चाहती है जनता। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही, साथी है आप, अब की बार पूरा समर्थन देगा संदीप जी? पूरे जी। हाँ जी, तन मन धन से संदीप जी का साथ है जी, शहर के भविष्य के लिए, महेंद्रगढ़ के भविष्य के लिए पूरा साथ है जी, तन मन धन से जी। सच, ईमानदारी और विश्वास संदीप मान। बिल्कुल सर, बिल्कुल संदीप सर, क्योंकि पूरी जनता है ना इस बार महेंद्रगढ़ का है, तो जितने से लोगों की भीड़ देख रहे हैं, छोटे से कार्यक्रम में सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसके बाद लग रहा है कि बदलाव बहुत है। बदलाव 100% बदलाव जा रही है, और हम चाहते भी हम साथ में संदीप सर सर साथ में, पहले हम दूसरे, लेकिन विश्वास संदीप सर पर 100%।